हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नाटक आज के इस वीडियो में हम थ सेंचुरी लिटरेचर के सेकेंड यूनिट गुलिवर्स ट्रेवल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपकी समरी पूरी क्लियर हो जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करने में केपेबल हो जाएंगे ठीक है के के वीडियो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए होने है और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है जो कि है एक लव्य स्नातक वन जहाँ पे आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है साथ 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 सभी आपके शेयर करी जाती है अगर हम इसमें टोटल यूनिट्स की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आपके पास टोटल तीन यूनिट्स है जिसका हम यूनिट वन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं रेप ऑफ द लॉक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूनिट सेकेंड को कम्पलीट करेंगे गुलिवर्स ट्रेवल्स को ओके तो देखिए किसी भी लाइक चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आपको सबसे पहले पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए तो इस वजह से हम सबसे पहले जुनादन स्विफ्ट के बारे में देख लेते हैं बेसिकली तो जुनादन स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो जुनादन स्विफ्ट जो जु, कि अगर लेफ्ट की बात करें हम तो इनका बर्थ जो है सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में हुआ था उनके डेथ की बात करें तो सेवनटीन फोर्टी फाइव में हुआ था ठीक है ये बहुत ही ज्यादा फेमस एंग्लो एरिश सटायरिस्ट थे सटायरिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज को लेकर व्यंग करते हैं ठीक है थीके? और व्यंग करके लाइक वहाँ की रियालिटी को प्रेजेंट करते हैं एक लाइक मजाकिया तरीके से व्यंग करते हुए वहां की चीजों को प्रेजेंट करते हैं ठीक है तो जुनादन स्विफ्ट एक एंग्लो एरिस सटायरिस्ट है आपको ये जरूर याद रखना है ठीक है और साथ ही साथ उन्होंने ना बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस गेन किया था लंडन में लिटरेरी सर्कल में मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं तरीके की जो मास्टरी नहीं होती है शोहरत तरीके की वैसा उनको खिताब मिला हुआ था लंडन के लिटरेसी सर्कल में ठीक है और स्विफ्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलेक्ट थे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट में मान जाते हैं ठीक है थीके? और उनके एसेज और पैम्फलेट्स जितने भी थे वो वो बेसिकली ना पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ जो होते थे उनको प्रेजेंट करते थे और अगर हम बात करें गुलीवर्स ट्रैवल की जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लगेगा बट आपको मैं बता दूँ ये जो नॉवल है गुलीवर्स ट्रैवल वो कोई लाइक like, uh, जोनाथन uh, स्विफ्ट ने किसी एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं लिखा था जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जोनाथन स्विफ्ट ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक रखा है कि उस टाइम पे जो इंग्लैंड था उस टाइम के जिस टाइम पे लिखा गया है टाइम ऑफ पीरियड में पब्लिश हुआ था सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स में ठीक है तो उस टाइम ऑफ पीरियड में जो इंग्लैंड था ना और वहाँ पे जितने लाइक पॉलिटिशियंस uh, थे साइंटिस्ट थे गवर्नमेंट थे और लाइफ थी बेसिकली उनको ना सुधार की जरूरत थी तो उनको लेकर यहाँ पे जोनाथन uh, स्विफ्ट ने सटायर किया है, व्यंग किया है और उसके जरिए बताया है इंग्लैंड के बारे में कि कैसे उस टाइम पे इंग्लैंड को इन चीजों की लाइक जरूरत थी उनको डेवलपमेंट की जरूरत थी और उन चीजों को आगे बढ़ने की जरूरत थी, है है ठीक तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कीन इनसाइट एंड उनके में ना आप सटारिकल चीजों को ज्यादा देखेंगे ठीक है और स्विफ्ट की अगर हम लेगेसी की बात करें तो इंडर करता है एज अ मास्टर ऑफ सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर ठीक है सटायर के मास्टर की तरह इंग्लिश लिटरेचर में इनकी लेगेसी लास्टिंग लेगेसी रही है ठीक है तो ये था जोनाथन स्विफ्ट के बारे में ठीक है अब हम नॉवल को देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह कोई एंटरटेनिंग पर्पज से नहीं लिखा गया था भले ही आपको इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लगता हो बट यहाँ पे बेसिकली सटायरिकल तरीके से इंग्लैंड के बारे में बताया गया है वहां पर पोलिटिकल और जो साइंटिस्ट और वैसे भी उस टाइम का जितना भी लाइफ था उसको क्या लाइक like, सुधार की जरूरत थी उसको यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है तो इसमें बेसिकली एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है लेमियर गुलेवर ठीक है ये ना वोयाज पे निकलता है यानी समुद्री यात्रा पे निकलता है ठीक है और जिस क्योंकि

कारण यहाँ पे क्या होता है कि उसकी जो शिप होती है वो खराब हो जाती है ठीक है तो सबसे पहले एक ये ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे ना लोग लाइक उस जगह का नाम होता है लिलीपुट लिलीपुट जो ये जगह होती है वो सबसे पहले एक्सीडेंटली एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पे ना लिलीपुट वासी होते हैं जो बहुत ही छोटे लाइक सिक्स इंचेस के होते हैं ओनली केवल ठीक है तो सिक्स इंचेस के होते हैं ये जो लिलीपुट वासी होते हैं तो उनके सामने ये जो लेमीवर होता है, गुलिवर, वो बहुत ही लंबा दिखता है तो स्टार्टिंग में जो लिलीपुट वासी थे तो तो बांध देते हैं बट जैसे ही फिर गुलिवर को जब होश आता है तो वो लोग देखते है कि ये तो लाइक बहुत, बहुत अच्छे से लाइक बिहेव कर रहा है उसको एक तरीके से एक मंदिर के मंदिर में ले जाके ना उसको बांध करके रखा जाता है ठीक है गुलीवर को ठीक है फिर जब लिवर को आता है तो उसको ना लाइक वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है लिलीपुट वासियों के साथ तो वहाँ के लोग उसको देखते हैं कि ठीक है ये तो अच्छा आदमी है तो इसको ना लाइक फ्री छोड़ देते हैं कि तुम कहीं भी घूम सकते हो और फिर इसको खाना वगैरह सब चीज देते हैं ठीक है फिर कुछ समय बाद ना कुछ लड़ाई वड़ाई होने के कारण यहाँ पे ना एक बार आग लग जाता है ठीक है किंग का जो उसमें महल होता है उसमें तो वो ये क्या करता है ये वहां पे ना मूत्र विसर्जन कर देता है जिसकी वजह से वो जो किंग होता है वो गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया भले ही आग तो बुझ जाती है बट वो उस चीज से गुस्सा हो जाता है तो फिर कोई इसको कहता है कि जो तुम किंग था ना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तुम्हें मार देगा ऐसा कुछ बोलता है तो ये क्या करता है कि ये ना पड़ोसी उनके जो ये जो लिलीपुट वासी है उनका ना एक पड़ोसी राजे भी होता है जो इनसे लाइक फाइट वगैरह करता है तो उसमें गुलिवर हेल्प भी करता है एंड में क्या करता है कि जो गुलर है वो बगल वाले स्टेट में चला जाता है फिर वो लोग उसको हेल्प करते हैं और फिर उसको वोट वगैरह देते हैं फिर वो वापस इंग्लैंड आ जाता है तो इस तरीके से इसका जो पहला वोयाज होता है पहला यात्रा जो होता है वो कंप्लीट होता है ठीक है और फिर जब दोबारा वो आता है तो दोबारा वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता है जिसका नाम होता है ब्रॉबडिंग नैंग ठीक है इस, इस जगह पे क्या होता है कि जैसे लेलीकुटवासी बहुत छोटे चुट छोटे हुआ करते थे तो इस जगह पे ना इसका ऑपोजिट होता है ठीक है तो इसमें ऑपोजिट होता है क्या होता है कि यहाँ पे जो गुलेवर है वो बहुत छोटा दिखता है और बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो उसको बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं वो ठीक है तो ये इस जगह का नाम होता है लपुटा इस नाम को आपको जरूर याद रखना है सॉरी uh, इस जगह का नाम होता है लेपुटा जो है हमारा थर्ड वो होगा ठीक है तो यहां पे Nang, जो प्लेस है है ठीक ये सेकंड प्लेस होता है ठीक है तो इस जगह पे जब वो जाता है तो वो बहुत छोटा दिखता है तो ये क्या होता है इस जगह पे जाके ना इसको ये एक बेसिकली uh, एक किसान को मिलता है ठीक है जो किसान होता है ना उसको मिलता है ये जो गुलीवर होता है तो गुलीवर क्या होता है कि एक किसान को मिलता है तो फिर वहां की जो रानी होती है ना क्वीन वो उसको खरीद लेती है क्योंकि वहां पे ना एक गुलीवर जो है एक एंटरटेनमेंट का स्रोत बन जाता है बिकॉज वो बहुत छोटा दिखता है सबके सामने तो लाइक उसको बहुत लाइक एंटरटेनमेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है गुलीवर को ठीक है उससे एंटरटेन कराया जाता है तो उस चीज को ना देखते हुए क्वीन जो है उस अः किसान से खरीद लेती हैं उसको और उस फिर गुलीवर का जो है बहुत ज्यादा मजाक वगैरह बनता है ठीक है तो फिर वहां का वहां के जो किंग होते हैं उसको ना गुलीवर बताता है गन पाउडर के वजह बारे में कि गन पाउडर अगर आप आप लोग खा लोगे तो आप लाइक बहुत और ताकतवर हो जाओगे वगैरह वगैरह तो परंतु का जो किंग होता है वो बहुत लाइक अच्छा आदमी होता है तो वो गुस्सा करता है गुलिवर पे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो ये करके तो फिर उस आ, उस चीज पे बहुत गुस्सा करता है तो फिर होता क्या है कि उसमें गुलिवर को वहाँ पे एक बॉक्स में बंद करके रखते हैं तो फिर जब बॉक्स होता है ना उस बॉक्स को एक ईगल जो होती है वो उड़ा के लेके चली जाती है फिर वो ईगल उड़ा के लेके चली जाती है और फिर कोई एक ऐसे जगह पे रख देती है कि वो ना ईगल जो होती है वो ऐसे जगह पे छोड़ती है उसको कि वो ना किसी शिप में चला जाता है ठीक है फिर किसी शिप में चला जाता है फिर वो शिप क्या होती है वापस उसको गोलीवर को इंग्लैंड वापस छोड़ देती है तो इस तरीके से इसका जो सेकेंड जर्नी है ब्रॉबडिंग नैंग का वो भी कंप्लीट हो जाता है फिर थर्ड में ये जाता है जिसका नाम मैंने आपको बताया लपुटा ठीक है लपुटा एक एक तरीके का फ्लाइंग इजलैंड होता है ठीक है ये क्या होता है एक फ्लाइंग इजलैंड होता है जहां पे आ, फ्लाइंग इजलैंड होता है और यहाँ पे ना लाइक बहुत ही लाइक चीजें यूजलेस जो रिसर्चेस होती है ना वो चल रहे होते हैं यहाँ पे ठीक है इस इस आइलैंड में तो आइलैंड में फ्लाई जो फ्लाइंग आइलैंड जो है यहाँ पे बहुत यूजलेस रिसर्चेस चलते हैं किसको लेकर मैथमेटिक को लेकर एस्ट्रोनॉमी को लेकर म्यूजिक को लेकर ये सारी चीजें चल रही होती हैं रिसर्चेस वहां पे जब ये गुलेवर जाता है तो उसको बहुत बड़ी चीज ना ये सारी चीजें अजीब लगती है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो सारी ही रिसर्चे जितने भी हैं वो सभी यूजलेस है यहाँ पे कुछ लाइक like, वो है ही नहीं कुछ भी तो यहाँ पे लाइक like, कोई ना प्रैक्टिकल पे बिलीव नहीं करता है ऐसे ऐसे रिसर्चेज हो रहे होते हैं यहाँ पे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है ठीक है अनप्रैक्टिकल चीजें होती है यहाँ पे सारी चीजें तो फिर वो किसी तरीके से अः स्टलबर्ग में जाता है इसके बाद इ, इ, इसी प्लेस के आगे स्टलबर्ग में जाता है फिर वहां से वो जापान चला जाता है ठीक है वो जापान चला जाता है फिर जापान से वो वापस जो है इंग्लैंड वापस आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से इसकी जो थर्ड जर्नी होती है ये भी कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी लास्ट जर्नी होती है अगर आप देखेंगे आपने इंडियन मूवीज uh, में आपने देखा होगा एक नाम uh, जजंतरम ममंतरम इस नाम की एक मूवी होती है। थी जिसमें ना गुलिवर के फर्स्ट जो ट्रैवल था उसके बारे में केवल दिखाया गया जितने भी हालांकि मूविया बनी है इस चीज को इस नॉवल पे लेकर तो उसमें केवल फर्स्ट पार्ट को ही दिखाया जाता है बट हमें फोर पार्ट्स पढ़ने हैं चारों पार्ट पढ़ने ठीक है हम तीन कंप्लीट कर चुके हैं फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से उसकी जो लाइक वे ऑफ थिंकिंग होती है गुलिवर की वो चेंज हो जाती है ठीक है तो जो फोर्थ और जो आखिरी इसका वोयाज होता है समुद्री यात्रा जो होता है वो हायोम में होता है हायोम ठीक है जिसको बोलते हैं हम ठीक है आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में ठीक है हायोम जो है ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे घोड़ों को कौन सर सर्व करता है याहुज़ ठीक है इसको याद रखना है आपको याहूस जो होते हैं वो घोड़ों को सर्व करते हैं ठीक है और याहूस जो होते हैं नग्न वस्त्र रहते हैं ठीक है वो कपड़े नहीं पहनते और वो घोड़ों को सर्व करते हैं और जो घोड़े होते हैं वो वहां पे बोलते हैं ठीक है तो जब गुलिवर जाता है तो गुलिवर घोड़ों की लैंग्वेज सीखता है और वो फिर वहां पे इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन घोड़ों को बताता है और फिर घोड़े भी उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते ट्रीट करते हैं और घोड़े भी जो है गुलिवर को बहुत डिटेल में चीजों के बारे में समझाते हैं बताते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसको गुलीवर को बताते हैं तो गुलिवर को लगता है कि याहूस जो है लाइक like, अच्छे आदमी नहीं है उनको लाइक like, uh, उनको सह लाइक uh, like, uh, अच्छे व्यक्ति बनने की आवश्यकता है उनको संस्कार वगैरह ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है तो गुलिवर यहाँ पे ना लाइक हॉर्सेस की लैंग्वेज सीखता है वो सारी चीजें करता है ठीक है और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता आपको मैंने बताया तो घोड़े उसको बहुत अच्छे से कर, ट्रीट करते हैं बट होता क्या है कि ये जो गुलेवर है ना एक हद तक याहूस की तरह लगता है तो इसकी वजह से ना गुलेवर को वहां से भगा दिया जाता है वहां नहीं रुकने दिया जाता है भला हालांकि जो गुलेवर है वो इतना ज्यादा फैसिनेटेड उनसे ज्यादा लाइक इतना ज्यादा लाइक इंप्रेस हो जाता है उन घोड़ों से कि वो घोड़ों के साथ ही रहना चाहता था याहूस में याहू के साथ ना रह के वो घोड़ों के साथ ही रहना चाहता था हायन में ठीक है तो आ, वो, साथ साथ था, वो की है, तो उसको वहां पे एक पुर्तगाली कैप्टन होता है इसमें लास्ट में जिसका नाम होता है डॉन पेड्रो वही इसको जो है इंग्लैंड जो है वापिस लेकर आ जाता है ठीक है आपको ये नाम याद रखना डॉन पेड्रो एक पुर्तगाली कैप्टन होता है जो उसको वापिस इंग्लैंड लेकर आ जाता है ठीक है इसकी वजह से क्या होता है इसकी लास्ट में जो फोर्थ जर्नी होती है वो भी कंप्लीट होती है बट यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती है जब वो वापस इंग्लैंड आता है तो वो ना लाइक इतना ज्यादा आपको मैंने बताया ना इन घोड़ों से इंप्रेस हो जाता है तो वो घोड़ों के साथ ही रहना स्टार्ट कर देता है अपनी वाइफ वगैरह को छोड़ देता है अपने घर को छोड़ देता है और वो अलग घोड़ों के साथ ही रहना लग जाता है तो इस तरीके से कुछ ये पूरी स्टोरी है अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके समरी की अगर हम बात करें तो गुलिवर्स ट्रेवल जो है लेमेल गुलिवर जिसका पूरा इसका इस कैरेक्टर का पूरा नाम है ठीक है एक वोयाज करता है टू तो रिमोट इजलैंड में ठीक है इन, वो इन, इनकाउंटर करता है टाइनी पीपल से पहले वोयाज में सेकेंड में जब वो जाता है वो बहुत जाइंट लोगों से मिलता है ब्रॉबडिंग नैग में ठीक है और लपुटा एक फ्लोटिंग इजलैंड होता है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल चीजें तो और ही होती है बट वो यूजलेस होती है बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट जो होता है हाओन इसमें क्या होता है एक बहुत लाइक वो ह्यूमन हॉर्सेस के साथ रिलेशनशिप को देखता है कि कैसे यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे ईच वोयास जो है वो सटायराइज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर को सोसाइटी को पॉलिटिक्स रिली को ठीक है भले ही आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट मिल रहा हो बट यहाँ पे जितने भी यात्राएं हैं ये चारों यात्राएं जो है अलग अलग तरीके से ह्यूमन के नेचर और एस्पेक्ट्स को लाइक like, यहाँ पे रिवील uh, करते हैं ठीक है और यहाँ पे करप्शन प्राइड और जो इेशनैलिटी है इसको यहाँ पे दिखाते हैं ठीक है सो ये दो पूरी नॉवल है ये एक बेसिकली कोर चैलेंजेस है फॉर द रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन यर ओन बिहेवियर थ्रू द लेंसेज अब्स्योर्ड एंड एक्सरेटेड सोसाइटी की कैसे सोसाइटी जो थी उस टाइम की वो बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा बताना लाइक चीजों को वहां पे लेकिन सुधार की जरूरत थी तो इस चीज को इन चारों यात्राओं के थ्रू जो रीडर्स हैं उनको चीज पे शो करा है जोनार्दन स्विफ्ट ने कि वो अपने आंखों को खोले और चीजों को समझे और बिहेवियर और सारी चीजों को समझकर इसको लाइक पोर्ट्रेट करें ठीक है एज अ इंटरटेनमेंट स्रोत ना लेकर इस चीजों को समझे और इंग्लैंड के उस टाइम पे जितनी भी चीजें थी उसके बारे में समझे और देखें तो सबसे पहले हम लिलीपुट के बारे में देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि लेमर गुलीवर एक प्रोटेगनिस्ट है इस पूरे नॉवल का ठीक है और ये नॉवल जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोबिन रॉबिन क्रूसो और दिल द पिलग्रेमेज प्रोग्रेस और साथ ही साथ गुलिवर्स ट्रैवल ये तीन नॉवल्स ऐसी हैं जिनको इंग्लिश uh, लिटरेचर की सबसे फर्स्ट नॉवल की तरह माना जाता है ठीक है इसको फर्स्ट नॉवल भी आप कह सकते हैं ठीक है ठीके? इस वजह से ये नॉवल अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है तो आपको इन चारों जो वो याद रहे हैं उनमें एक एक दो दो लाइनें जरूर याद रखनी है ताकि आपको स, हर एक क्वेश्चन को पोर्ट्रे करने में आसानी हो और आपको कुछ समय बाद क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो दिखेगी जिसमें हम प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है ठीक है उसी के फॉर्मेट में तो लिलीपुट में सबसे पहले वो टाइनी पीपल से मिलता है और बहुत ही पॉलिटिकल इंटीग्रू और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनता है वहां पे जाकर ठीक है ब्रॉडिग नैग में क्या होता है वो जाइंट्स पीपल से मिलता है वहां पे एंटरटेनमेंट का सोर्स बनता है मिनिएचर स्टेचर होते हैं वहां पे और यहाँ पे फोकस करते हैं शिफ्ट टू द फॉली एंड वॉइस ऑफ ह्यूमन नेचर क्योंकि कैसे ह्यूमन के नेचर को शिफ्ट करते हैं लपुटा में जब वो थर्ड थर्ड वो में जाता है जो की फ्लाइंग इजलैंड होता है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल अपसर्ड होती हैं चीजें होती हैं थ्योरीज होती हैं सटायराइज हो यहाँ पे चीजों को बेसिकली uh, सटायराइज किया गया है कि कैसे डिसकनेक्ट किया गया है नॉलेज को रियलिटी से आप देखेंगे ऐसे ऐसे यूजलेस चीजें हो रही हैं लाइक like कि बहुत ही ज्यादा जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है मैथमेटिक एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक इन सभी चीज को लेकर विदाउट विदाउट एनी प्रैक्टिकल यहाँ पे यूजलेस चीजों पर रिसर्चेस चल रही हैं तो यहाँ पे ये यह चीज यहाँ पे सटाइराइज की गई है व्यंग किया गया है कि कैसे नॉलेज को रियालिटी से अलग करके और चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है और नेक्स्ट है हमारा हाइम्स और जिस जहाँ पे और याहूस भी आप कह सकते हैं इसमें ये फाइनल वो याद होता है गुलिवर का जिसमें एक लैंड ऑफ हाइम्स के मिलता है ये ठीक है और यहाँ पे रैशनल हॉर्सेज होते हैं जो सेवेज याहूस के साथ रहते हैं याहूस उनको सर्व करते हैं ठीक है यहाँ पे स्विफ्ट यूज करते हैं दिस टू क्रिटिसाइज ह्यूमन बिहेवियर की कैसे वो अः यहाँ पे जो स्विफ्ट जो है यूज करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना उसके बारे में बताने के बारे में क्रिटिसाइज करना ठीक है करते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू स्विफ्ट ठीक है और यहाँ पे वो क्वेश्चन करते हैं तो लाइन बिटवीन रीजन एंड तो नेक्स्ट फाइनल क्या होता है कि यहाँ पे तो उसके चारों ट्रेवल खत्म हो जाते हैं वो याद समुद्री यात्राएं खत्म हो जाती हैं पर जब गुलेवर जो है वापस आता है तो वो नॉवल एंड कहाँ से होती है जब गुलेवर रिटर्न अपने घर वापस आता है तो वो बेसिकली डिस्क uh, इल्यूनाइज हो जाता है ह्यूमन ह्यूमन के फ्लॉज से वो ह्यूमन की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे बहुत ही ज्यादा लाइक like, उसको ना बुरा लगता है तो इस वजह से स्विफ्ट जो है यहाँ पे सटायर करते हैं जोनादन स्विफ्ट की कैसे गुलिवर्स ट्रैवल जो है एक टारगेट है पॉलिटिकल करप्शन का सोसाइटियल अबस्ट्रेडिटीज का एंड द डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर ह्यूमन नेचर के कैसे जो डार्क एस्पेक्ट्स है इस चीज को लेकर यहाँ पे जोनादन स्विफ्ट सटायर करते हुए इस नॉवल की एंडिंग करते हैं और गुलीवर जो है एंड में खुद ही अकेले घोड़ों के साथ रहना शुरू कर देता है दुनियादारी को छोड़कर ठीक है तो कुछ इस तरीके से नॉवल कंप्लीट होती है आई कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी समझ में आई होंगी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग